शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे जिंदगी में किसी सहारे की जरूरत नहीं है अतुल, मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारी वाइफ हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस शराब का सहारा ज्यादा पसंद आने लगा है। जानती हो क्यों? क्योंकि शराब शिकायत नहीं करती है। बीवी कहती हो अपने को? अरे बीवी का मतलब भी समझती हो तुम? बीवी वो होती है जो हर हाल में अपने पति का साथ देती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। तुम्हारी तरह नहीं, जरा सा वक्त बिगड़ा और चली गई मायके। नहीं अतुल, तुम जानते हो। जब तुम मुझे बताओगी बात क्या है, मैं एक नंबर की मतलबी औरत हूं। तुम्हें मेरे दुख की नहीं, तुम्हें अपने सुख की परवाह है। तुम्हें इस घर में जितना सुख चाहिए उतना सुख मिलेगा। चलो कर लो जितनी ऐश करनी है, मैं भी तो देखूं इन पैसों में तुम कितने सुख खरीद सकती हो, कितने रिश्ते बना सकती हो, कब तक तुम उन पर टिकी रह सकती हो। बड़ी आई बीवी बनने वाली है। देवयानी, इन सपनों और भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो और मेरे साथ एक चेस की बाजी खेलो। अरे मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे नहीं आता ये सब। अरे तुम्हें कब से कह रहा हूँ ना, मैं सिखा दूंगा, ये कौन सी रॉकेट साइंस है। चलो मेरे लिए ना उससे भी मुश्किल है। जब अब तक नहीं सीखा तो अब क्या सीखूंगी? अब है ना ऐसे मुंह मत बनाया करो। हाँ तो क्या करूं, चेस का बोर्ड लगा हुआ है, पूरी गोटियां हैं, पूरा दरबार सजा है और कोई खेलने को नहीं है। कितना बोर है ये। मैं खेलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ चलो बाबा तुम खेल लो, आओ। तुम मेरे साथ? क्यों डर गए आप? क्योंकि जानते हैं नियति तो मुझे हरा देगी, है ना? बेटा मैं और तुमसे हार जाऊं? नामुमकिन। हाँ छोटी, ये बात तो ये ठीक कह रहे हैं। अरे चेस के चैंपियन रह चुके, इन्हें हरा नहीं सकती तुम। देखते हैं कौन किसे हराता है। तो फिर शुरू हो जाए? हो जाओ शुरू। लेकिन बेटा एक बात है, बेटा अगर मैं तुमसे हार भी जाऊं ना तो मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी जीतने पर। तभी तो मैं तुम्हें अपना चैंपियन बेटा कहता हूं। चलिए अब पहली चाल किसकी होगी ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? ये वाला। अरे वाह, ठीक है तो पहली चाल तुम्हारी। तो हो ही जाए। कभी टेढ़ा नहीं चलता है, सीधी चाल चलता है। वैसे एक बात तो है आकाश, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट निकले। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके से बार्गेनिंग भी कर सकते हो। करना पड़ता है भाभी, ये जो दुकानदार होते हैं ना, बार्गेनिंग के डर से पहले से हर चीज का रेट बढ़ा के रखते हैं।
देखो और बिना बार्गेनिंग के शॉपिंग का क्या मजा? नहीं, ये बात तो है, मैं खुद बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे भी मात दे दी। अरे नहीं नहीं, इस मामले में तो हम दोनों टक्कर के निकले। रियली भाभी, शॉपिंग का असली मजा तो तभी आता है जब आप जैसा के साथ हो। ये बात तो है, खैर मजा तो मुझे भी बहुत आया। अरे भैया एक चाय बनाना। आकाश, ये साला विपिन यहां कहां से हमारा? कहीं इसके सामने कुछ उगल ना दे। भाभी वो चार्जर लेने तो भूल गए, वो चलिए ना पीछे दुकान थी, आइए। अरे आकाश, आकाश वो देखो तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। मुझे यहाँ कौन आवाज देगा भाभी? अरे नहीं देखो वो देखो। अरे भाई आकाश, अरे भाई पहचाना नहीं क्या? ये तो कहता था कि नागपुर में ये नया आया है, तो फिर ये कौन है? विपिन, तू यहाँ कब आया मुंबई से? मुंबई से? हाँ मुंबई से आया ना तू ऑफिस के काम से? हाँ तूने तो बताया था कि तेरी बुआ जी भी नागपुर में रहती है, उन्हीं से मिलने आया होगा है ना? बुआ? हाँ बुआ जी। हाँ बुआ, वो क्या है, बुआ को मिलने की इच्छा हो रही थी तो इसलिए मैं नागपुर आ गया, लेकिन तू यहाँ? यार वो मेरा ना यहाँ ट्रांसफर हो गया। ओ भाभी ये विपिन मेरे ऑफिस का कुली, ये मेरी भाभी जी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। अच्छा ये बता अपने मुंबई ऑफिस के क्या हाल है? पहले जैसे ही है, तू बता यहाँ के कैसे? बस अब मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। और सुना? बस यार चल रहा है। कब तक है यहाँ पर? बस यार आज ही जा रहा हूँ। आज ही? हाँ। ओहो चल कोई नहीं, अगली बार आने से पहले ना फोन कर देना, कहीं बैठेंगे चाय पे। अगली बार क्यों, आज ही ले चलो ना इन्हें, घर पर चाय पिलाते हैं। हाँ भाभी जी सही कह रही है, मैं वैसे भी चाय पीने आया था, चलते हैं ना। तेरी बस निकल जाएगी चाय के चक्कर में, भाभी इसको तो ना बस चाय का शौक है, पहले भी इसके साथ ऐसा हो चुका है। चल चल तेरी बस निकल जाएगी यार भाभी, और हाँ चाय जरूर पी लेना। चलो चक्कर क्या है आकाश का, मैं भी नागपुर वाला वो भी नागपुर वाला और बातें कर रहा है मुंबई की, कोई तो चक्कर है, कोई तो बड़ा गेम खेल रहा है। और उसकी भाभी, काय की भाभी, वो भी उसके गेम का कोई मोहरा होगी पक्का। अरे आकाश एटलीस्ट उसे चाय पर तो बुलाना चाहिए था, इतनी फॉर्मेलिटी तो कोई भी करता है ना। अरे नहीं भाभी इतना खास दोस्त भी नहीं है वो मेरा, वो तो बस एक साथ काम करते थे ऑफिस में, तो शायद कभी बातों बातों में उसने बता दिया होगा कि उसकी बुआ नागपुर में रहती है। कमाल की बात है ना भाभी, काम की बात याद रहे ना रहे ऐसी बातें याद रह जाती है। नहीं रिक्शा, बहुत सारी। अरे आप भी साथ गए थे क्या? जी। क्या क्या खरीद लाए भाई, मुझे लग रहा है पूरा मार्केट ही खरीद लाई है। अरे नहीं भाई इतनी खरीदारी मैंने नहीं की, ज्यादा से ज्यादा सामान इन्होंने ही खरीदा है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? देवी माँ का प्रसाद लो। आप दोनों के लिए पानी लाती हूँ। ये सब मैं अपने रूम में रखा था हूँ, यहाँ समीर भैया देखेंगे तो 50 सवाल करेंगे। अरे वो क्यों सवाल करेंगे? नहीं करेंगे तो भी ठीक है, ये सब सामान आप ही के रूम में रख देते। आकाश के कमरे में क्या करने गई थी? वो एक्चुअली नियति का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। अभी अभी अंबर की मौत हुई और वो नियति का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है? नहीं आकाश एक काम करो, तुम अपने ही रूम में रख लो। ठीक है
थैंक यू। नियति, मैंने देवी माँ से हर वो बात कही जो तुम कहना चाहती थी। थैंक यू दी। शायद देवी माँ मेरी नहीं सुनती। अच्छा किया आपने प्रार्थना की, अब वो जरूर सुनेंगी। अबे तेरी किस्मत अच्छी थी आज, अगर वो साला विपिन तेरा इशारा नहीं समझता ना तो गई थी भैंस पानी में। ऐसा कब तक चलेगा यार, पता नहीं वो रोहिणी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं मुझ पे शक तो नहीं कर रही होगी, कहीं आकाश के बारे में समीर का डर सही तो नहीं है। ये समीर को ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। समीर ठीक ही कहते हैं, हमें आकाश पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। दिनों बाद घर आने वाले अंबर, मेरे बर्थडे पर मुझे पता है मेरे लिए कोई प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आओगे तुम, और रिटर्न में मुझे भी तो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए ना। क्या दूं? I know you will love a surprise gift. इसका टाइम रुक क्यों गया? जी इतनी खुश क्यों लग रही है? पहली बार देख रहा हूं उसको ऐसे, लेकिन कब तक खुश रहेगी बेचारी? इसे तो ये भी नहीं पता कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। आज बहुत अच्छी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। मैं मार्केट जाऊं मम्मी जी, मुझे कुछ काम था। अब इस पगली को कैसे समझाऊं? ये अभी अभी विधवा हुई है, इतनी जल्दी घर से बाहर निकलेगी तो लोग सौ सौ बातें बनाएंगे। क्या हुआ मम्मी जी, जाने दीजिए ना, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो भी ले आऊंगी। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम भी मत जाओ ना, आज मौसम सुबह से बहुत खराब है, बड़ी के साथ चली जाना। बड़ी दीदी तो मार्केट कब की हो आई,
मुझे कुछ जरूरी काम था मम्मी जी, जाने दीजिए ना, जल्दी आ जाऊंगी प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। यू गई यू आई। नियति जी, कहीं जा रही आप? कुछ काम से बाहर जा रही थी। क्यों? अकेले? नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ, मैं भी साथ चलूं आपके। जरूरत नहीं है, नागपुर मेरा अपना शहर है। थैंक यू, आती हूँ। गई कहाँ ये? देखो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, फिर तुम शिकायत करोगे कि चाय ठंडी हो गई। अतुल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आप सामने जिंदा बैठा हो ना, तो तबीयत तो ठीक ही होगी ना। ये क्या है? मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि तुम शराब छोड़ दो। तुम कहो तो जीना छोड़ दूं, तुम कहो तो इस दुनिया को छोड़ दूं। अतुल तुम मेरी इतनी सी बात पर अपसेट क्यों हो रहे हो? मैंने तो तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट नहीं करना, आज तक तो मुझे रिक्वेस्ट की आड़ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वही किया तुमने मेरे साथ, अब नहीं है समझे? आड़ में चाहे तुम और तुम्हारी बातें, ये मेरी लाइफ है, इसको मैं जैसे जीना चाहूं वैसे जीऊंगा। क्या करूं मैं, ये मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालने लगे। रोहिणी भाभी। हाँ आकाश। नियति जी के पास जा रही है? हाँ। लेकिन वो तो घर में है नहीं। घर पर नहीं है मतलब? कहाँ गई? मार्केट गई है, वो भी अकेले। तुम्हें तो खामखा फिकर करने की आदत है आकाश। अरे अब तक का जीवन नियति ने नागपुर में ही बिताया है, उसे मालूम है कब कहाँ कैसे जाना है। वैसे आज अगर उसका इतने दिनों बाद घर से निकलने का मन किया है तो हमारे लिए अच्छा ही साइन है आकाश। अब हम जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उसे खुशी ही होनी चाहिए। जी। अब वो तो है नहीं, तो जब तक वो आएगी मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। खुशी को तब आप भूल ही जाइए रोहिणी भाभी, क्योंकि वो तो अब आपकी नियति की लाइफ में कभी नहीं आएगी। मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है मेरी वैशु की खुशी, और वो सिर्फ तभी आ सकती है जब नियति की लाइफ में दुख के अलावा कुछ ना बचे, बल्कि हो सके तो नियति ही ना बचे।